शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मेरा जिस्म आपके लिए 24 घंटे हाजिर है। हाय अल्लाह। तुम जाते हो या पुलिस को बुलाऊं? फिर क्यों घबराती हो मौसी? आई विल लुक आफ्टर हिम। जैकब मौत को मार के पैदा हुआ था। मेरे जासूसों ने मुझे बताया था कि तुम हर रात किसी राज नाम के लड़के से मिलने जाती हो और आधी रात हॉस्टल में वापस आती हो। ये मेरी फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है। मॉर्निंग से पहले तुम कमरे से निकली या इवनिंग के बाद तुम कमरे में नहीं मिली तो तुमको कॉलेज से और हॉस्टल से निकलवा दूंगी, समझी? यू कैन गो। मुझे मालूम है राज कि तुमने किस तरह इंतजार की घड़ियां गुजारी होंगी, पर मैं भी क्या करती। कमबख्त मेडन और प्रिंसिपल हम दोनों के प्यार के बीच दीवार बन के खड़े हैं। मुझे माफ कर दो राज, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई लव यू। क्या हो गया आपको? मैटर्न का ऑर्डर है कि आपको बाहर नहीं जाने दे देता। जाने दीजिए ना प्लीज। चलो सो जाओ जाके। चलो आप मुझे क्या रिश्वत दे रही हैं? मैं रिश्वत नहीं लेता। चलो प्लीज चलो, चलो एक मिनट। चलो चलो कहाँ समझे, शर्मानी चाहिए तुम्हें ऐसी हरकत पर। मुझे देखो, मैं 20 साल से इस कुर्सी पर बैठा हूं, कभी किसी लड़की ने मेरे बारे में कंप्लेन की? अगर तुमने उस लड़की से मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें हॉस्टल से निकाल दूंगा। सर सिर्फ आखिरी बार मुझे मिलने की इजाजत दे दीजिए, फिर मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा। कल उसका जन्मदिन है सर। जन्मदिन है जी। अगर तुम उसके जन्मदिन पर मिलने गए तो मैं तुम्हारा मरण दिन बना दूंगा। जी हाँ। वो चले आ रहे हैं ऐसे मुंह लटकाए हुए, ऐसा लगता है जैसे दिल में कुछ छुपाए हुए। अरे अब क्या करेगा यार। अरे राज तुमने जो पैसे दिए थे मैं रति के लिए हार ले आया, अब उसको तो पहना नहीं सकता, इसको ही पहना दे। देखा तू घड़ी घड़ी मत छेड़ा कर मुझे। अबे चुप, मैं अपनी उलझन में फंसा हुआ हूँ और तुम लोग लफड़ा कर रहे हो। मैं उसे ये हार पहना कर ही छोड़ूंगा। अरे जा जा, तू क्या पहनाएगा उसे? अरे मैं उसे ये हार ही नहीं पहनाऊंगा, उसका प्यार भी लाऊंगा। लगी सोसो की? हाँ लगी सोसो की। अरे तू इतनी जलील हरकत करेगा? जलील हरकत? सलील मियां, ईटा भाई, तुम्हारी उभरती हुई जवानी को देखकर एक शेर अर्ज करता हूं। धोती ने कहा पैजामे से, हम दोनों बने हैं धागे से। है फर्क अगर तो बस इतना, मैं पीछे खुलूं तू आगे से। ए, तू तुझा पजामा संभाल, ये ले पकड़ बैंगन और लड़कियों को घुरता बना। अरे अरे मेरा हाथ छोड़। ओहो ला हौल, तुम्हारी जवानी और मेरी शायरी के बीच में ये सड़ा हुआ बैंगन कहां से आ गया? ओ, दूसरा शेर बोला था, पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह। चुल्फों को रुख पे डाल के बोले कि इस तरह। ओहो मोहतरमा, आपको हमारा शेर कैसे याद हो गया? अजी सारा जमाना आपकी शायरी का दीवाना है और मैं आपकी दीवानी। दीवानी? या अल्लाह, सुन रही हैं आप, हमारे लिए एक और दीवानी पैदा हो गई। जा रे, तू तुझा दीवानी ना संभाल, माँ जनता खोटी मत कर, चल फूट इधर से। सुनिए आइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मुरादाबाद के पास एक गांव है कन्याकुमारी, मैं वहाँ के रहने वाला हूँ। हाय अल्लाह, मैं भी आपके वतन की हूँ। क्या आपके कदमों में मुझे थोड़ी सी जगह मिल सकती है? आप कदमों की बात कर रही हैं,
मेरा जिस्म आपके लिए 24 घंटे हाजिर है। हाय अल्लाह, मेरे दिल की मुराद पूरी हो गई। ये आप क्या कर रही हैं? अगर पुलिस वाले ने देख लिया तो जलील को जेल हो जाएगी। यहाँ नहीं, वहां चलते हैं, मेरे बाबरची खाने में। मेरी मीनू ममताज, तुम्हारे लिए सेवैया बनाकर लाया हूँ। नवाब वाजिद अली शाह के घराने की हैं। हाय हाय, खुदा के लिए अपने चेहरे से ये डेढ़ गज लंबा नकाब तो हटाइए। हाय हाय, हम दीदारे यार के लिए बहुत परेशान बैठे हैं। आहा, अभी नहीं, पहले शादी हो जाने दीजिए, नकाब भी हटा देंगे, पुरखा भी हटा देंगे, जो आप कहेंगी वो हटा देंगे। अगर किसी ने देख लिया तो? देखने दो, मैंने इसका भी इंतजाम कर लिया है। हे जलील, जलील डोर खोलो। मैं ये मुसीबत कहां से आ गई? खोलो जल्दी, कम ऑन, खोलो जल्दी, क्या करते हो? सुनो, नीचे चले जाओ, यहाँ जल्दी करो। अरे यहाँ नहीं, अरे यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, नीचे घुसो। देखते तुम्हारे बाप ने तुमको इतना लंबा पैदा किया, क्या करूँ मैं? अरे यहाँ आओ, सुनो बाहर गुस्सा खाना है, तुम जाके बाहर छिप जाओ, मैं बाद में आता हूँ, जल्दी करो जल्दी करो। अरे वो डोर नहीं, इधर का दरवाजा खोलो। मेरा इंतजार करना, मैं आता हूँ आता हूँ। जलील, ओपन द डोर। ओ ओ ओ ओ, चलो जल्दी खोलो, कम ऑन, जल्दी जल्दी करो। ए जलील, दरवाजा खोलो मैन। तुम क्या करते हैं अंदर? मैं अंदर खिचड़ी पकाता हूँ। गॉड नोज तुम कैसा खिचड़ी पकाता है। जो सब लोग पकाते हैं, तुम भी पकाती हो। फंस गया, फंस गया। तशीफ आइए। इतना टाइम क्या करता था? नहीं नहीं, मैं ये कर रहा था। क्या? नहीं नहीं, मैं ये कर रहा था। इधर है, क्या करता है? हमको मालूम, तुम किचन का सामान चोरी करके बाहर पार्सल करता है। पार्सल? हाँ हाँ, मैं मुमताज महल को तोहफा दे रहा था। What? नहीं नहीं, मैं बैंगन फ्राई कर रहा था। हाँ? नहीं नहीं, मैं कपड़े फ्राई कर रहा था। नहीं नहीं, मैं कपड़े बदली कर रहा था। बदली? तुम क्या लड़की है, कपड़ा बदली करने को इतना टाइम लगाता है? तो कितना टाइम लगाऊं? चुप, इडियट। फिर इतना टाइम लगाया तो तुमको हॉस्टल से डिसमिस कर देगा। हाँ, समझा? हाँ, हाँ, समझा समझा। हाँ। अरे आग में साबुन चलो यार, जल्दी करो ना, पानी छोड़ो। अरे बाल्टी दे ना मेरे को। नहीं जल्दी जल्दी करो, बड़ा घूम घूम के बंदी हो जाएगी। कहाँ गई? कहाँ छुप गई? हाय अल्लाह जी, कौन है जी? अनिल मियां की। चलो बाहर आओ, बुरके में यहाँ क्या कर रही हो? चलो बाहर देखो, लड़कियाँ ही कौन आई हूँ मैंने, लड़की देखो, देखो देखो लड़कियाँ, लड़कियाँ देखो, लड़की को लड़कियाँ सहेलियाँ और लड़कियाँ देखो, कौन है ये जरा मेरे में देखो। जी मैं जलील मियां की। अच्छा, जलील मियां की बेगम है? नहीं नहीं, 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 वो हमें जबरदस्ती बेगम बनाना चाहते हैं। उसकी ये मजाक, हमारे होते हुए वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, हम तुम्हें खैरियत से घर पहुंचा देंगे। ऐसी चिकनी सूरत पर ये काला दाग, चलिए नहा धो लीजिए। हमें आएंगे कपड़े उतारो और नहा लो। लड़कियों के सामने कपड़े उतारते शर्म आती है क्या? चलिए चलिए उतारिए। हम जान दे देंगे, ये कपड़े नहीं उतारेंगे। राज,
जन्मदिन के तोहफा देने के लिए तुम्हें इतना नाटक करना पड़ा? मेरी जान, मोहब्बत के लिए मैं नाटक तो क्या, फिल्म भी बना सकता हूँ। हैप्पी बर्थडे राति। थैंक यू। जिसमें तुम मेरी हीरोइन होगी और मैं तुम्हारा हीरो। चलो अपनी बर्थडे की खुशी में एक बीड़ी सी किसी को दे दो। पप्पी छी। मेरी जान, मेरी सुल्ताना, इतना बड़ा गुसल खाना, कल यहाँ फिर आना, हम गाएंगे प्यार का तराना। जलील, जो जलील। अरे क्या करता है? अरे किधर जाता है? अरे 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 मैं कहाँ जाऊंगा? किधर भी जाओ, अलीबाग जाओ, अलीगढ़ जाओ, चंडीगढ़ जाओ, चलो। बस दादी माँ, इम्तिहान खत्म होते ही मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी की तमन्ना जरूर पूरी करूंगा। जैसे तुम्हारे खानदान में आज तक सभी पुलिस ऑफिसर ही होते आए हैं, मैं भी जरूर पुलिस ऑफिसर ही बनूंगा। एक सच्चा ईमानदार पुलिस ऑफिसर, अपने बाप की तरह नहीं, जिसके बदनामी के शब्द आज तक मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। मैंने दिल से तो अपने बाप का नाम निकाल कर फेंक दिया है, मगर दुख इस बात का है कि मेरे सर्टिफिकेट पर मेरे बाप का नाम लिखा जाएगा, जिसे मिटाना मेरे बस की बात नहीं। खैर दादी माँ, मैं भी कभी कभी जज्बात में बह जाता हूँ। मैं बहुत जल्द आऊंगा और तुम्हारे दामन को खुशियों से भर दूंगा। तुम्हारा बेटा पोता राज। साल से जिस चिंगारी को मैंने सीने में दबा रखा था, वही चिंगारी अब शोला बनकर आ रही है। अब होगा मेरा फैसला। राज, इतनी जल्दी कॉलेज की खूबसूरत साल गुजर गए, ऐसे लग रहा है जैसे चार साल नहीं, चार हफ्ते गुजर गए और हम वापस घर जा रहे हैं। राज, तुम चुप क्यों हो? थोड़े ही दिनों में हम बिछड़ जाएंगे, तुम्हें इस बात का दुख नहीं होगा? बोलो ना राज। रति, कुछ लोग खामोश होकर ही दुख का इजहार करते हैं। छोड़ो इन बातों को। अच्छा ये बताओ, डैडी से कब मिलने आ रहे हो? डैडी से मैं जरूर मिलूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे दादी माँ का सपना पूरा करना है। और हमारे सपने का क्या होगा? जरा मेरी आंखों में झांक कर देखो।
तुम्हें एक हसीन सपना नजर आएगा। क्या कर रहे हो? पता नहीं अब हम कब मिलेंगे, उससे पहले जरा मोहब्बत का कोटा पूरा कर लेने दो। दादी। अरे बेटा तू, अजीब बात है, खबर भी नहीं ली। दादी मैंने सोचा आपको एक सरप्राइज दे दूं। कैसी है मेरी दादी? बेटा इस पुलिस ट्रेनिंग फॉर्म पे दस्तखत कर दे। दादी माँ मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ आपकी खुशी के लिए कर रहा हूँ। कुछ दिनों के लिए हम दोनों बिछड़ जाएंगे रति, पुलिस ट्रेनिंग पूरी करनी है, लेकिन हमारा प्यार इन रोशनियों की तरह जगमगाता रहेगा। I love you, रति। इन रोशनी से भी बढ़कर तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी में एक रोशनी बनकर आ गई है। मैं अपने डैडी के घर भी छोड़ सकती हूँ तुम्हारे लिए। डैडी का घर छोड़ने की जरूरत नहीं रति, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। अल्लाह विराज। आप खुश हो जाएंगे दादी, बिल्कुल आपकी तरह बहादुर है। उसे कोई शर्त लगाओ तो दुनिया का कोई भी मुश्किल काम आसानी से करके दिखा देगा। अच्छा, कमाल का लड़का है राज। हमारी बेटी जिसे आज तक कोई लड़का पसंद नहीं आता था, अगर उसने राज नाम के लड़के को पसंद किया है तो जरूरी कमाल का। डैडी राज आ गए हैं। अरे आओ आओ राज, वेलकम वेलकम माय बॉय। वाह कमाल, स्मार्ट हैंडसम। आओ। थैंक यू। सोडा और वाटर? सर मैं पीता नहीं। गुड, बैठो बैठो। रति तुम्हारी बहादुरी की इतनी तारीफ कर रही थी कि अगर तुम थोड़ी देर और ना आते तो हम लोग चल के तुम्हारे घर आ रहे। क्यों बेटी? रति कह रही थी तुम पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो, मिलिट्री की तरफ तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं गया? सर हा? मेरी दादी की बरसों की तमन्ना थी कि मैं पुलिस ऑफिसर ही बनूं। इसका मतलब है तुम्हारे खानदान में और भी पुलिस ऑफिसर हैं? है नहीं सर, थे। मेरे दादा परदादा सब पुलिस ऑफिसर थे सर। और तुम्हारे पिताजी? क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी? जी जी रति एक गिलास पानी। अभी लाई। तुमने अपने पिताजी का नाम नहीं बताया। जी आनंद सक्सेना। आनंद सक्सेना? इंस्पेक्टर आनंद आर सक्सेना? जी हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूं। तो तुम एक कातिल और रिश्वतखोर के बेटे होकर मेजर वर्मा से उसकी बेटी का हाथ मांगने आए हो? लेकिन मुझे उस तराजू में क्यों तोल रहे हैं सर, जिसके दूसरे पलड़े में मेरे बाप की बुराइयां रखी हुई हैं? क्योंकि तुम उसका खून हो, गंदा खून। तुम भी वर्दी पहन के वही करोगे जो तुम्हारे बाप ने किया था। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता मेजर साहब, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मुझे अपने बाप के नाम से नफरत है। काश मेरे पास ऐसी कोई कैंची होती कि दुनिया के रिश्तों के किताबों से मैं अपने बाप का नाम काट के फेंक देता। जब तुम्हारे बाप का नाम कट नहीं सकता तो वर्मा खानदान से तुम्हारा रिश्ता टूट नहीं। वर्मा साहब आप मेरे बाप के किए की सजा मुझे क्यों दे रहे हैं? सजा तो तुम्हारे सारे खानदान को मिलनी चाहिए। मेजर आप मेरे बाप को जो भी कहना चाहें कह लीजिए, लेकिन मेरे खानदान के किसी बुजुर्ग पर उंगली उठाई तो अच्छा नहीं होगा। ओके आइंदा यहाँ आने की जरूरत मत करना और ना ही मेरी बेटी से मिलने की कोशिश करना। यू कैन गो, आई से गेट आउट। डैडी
राज, ये एक बेईमान इंस्पेक्टर का बेटा है जो कल वर्दी पहनकर अपने बाप की बेईमानी पर चार चांद लगाए। हाँ वर्मा साहब, लगाऊंगा, चार चांद जरूर लगाऊंगा, अपने बाप के बेईमानी पर नहीं, पर अपने दादा पर, दादा की ईमानदारी पर, अपनी दादी के सपनों में। और आप जैसे लकीर के फकीर को यह साबित करके जाऊंगा कि चोर का बेटा चोर नहीं होता और खूनी का बेटा खूनी नहीं होता। तुम जाते हो या पुलिस को बुलाऊं? राज, रती, तुम कहां जा रही हो? राज, राज सुनो, सुनो मेरी बात, राज मेरी बात तो सुनो। रती, तुम आज के बाद राज से नहीं मिलोगी। राणा। अरे मौसी, आज आप बरसों के बाद अचानक, आओ आओ आओ। तूने भी तो इतने बरसों में कभी पूछा नहीं कि मौसी जिंदा है या मर गई। मौसी, एक तो काम से फुर्सत नहीं मिलती, दूसरे आनंद ने कुछ ऐसी गलत हरकत की कि सक्सेना खानदान के सब दामन दागदार हो गए और आज तक वो दाग, वो जख्म मेरे दिल से नहीं मिटते। तू ठीक कहता है राणा, आनंद ने हमें भी इस दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, इसलिए राज को लेकर ये शहर छोड़कर चली गई। अरे हाँ, राज कहाँ है? मैंने जब उसे आखिरी बार देखा था तो वो कुछ 10 साल का था, उसे साथ नहीं लाई? लाई हूँ। कहाँ है? बाहर। अरे बाहर क्यों खड़ा है, बुलाइए ना उसे। राज। अरे आओ आओ आ जाओ बेटा, मौसी भी कमाल करती है, बच्चों को अपने घर में बाहर खड़ा कर दिया, आओ जीते रहो। कितना बड़ा हो गया है, इतना सा था जब ये मेरे साथ खेला करता था, मेरी गोदी में सो जाया करता था, और अब देखो मौसी पुलिस इंस्पेक्टर बन गया है। अब आगे इसे जो कुछ सिखाना है ये तुम्हारा जिम्मा, कानून और फर्ज कैसे निभाया जा सकता है ये तू ही इसे सिखा सकता है। हाँ बेटा राज, तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ हुई है? जी बॉम्बे में, आप ही के सेक्शन में। मेरे सेक्शन में? जी। Very good. अरे फिर क्यों घबराती हो मौसी, I will look after him. Wish you all the best. Thank you, sir. Good morning, Mr. Jacob. Well, Mr. Jacob, I've studied this plan. The bank is well electronically guarded and the alarm can be listened for 5 miles from it. It is my advice for you to forget to rob this bank. Otherwise, you will be suicide. Aap mar jayenge. You are wrong, Mr. Chang. Jacob kabhi mar nahi sakta. Jacob maut ko maar ke paida hua tha. Peter? Yes, sir. ये दोनों को ठिकाने लगा दो। तुम? हाँ मैं। कैसे आना वो? तुम्हारे कारनामे देखने। कौन थे वो लोग? दो फॉरेनर्स थे। इसका अंजाम जानते हो? जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे अंजाम जानने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर इस तरह तुम खुलेआम खून करते रहोगे तो तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा डालना मेरे लिए नामुमकिन हो जाएगा। इस कस्म के गुनाहों पर डालने के लिए पर्दा मैं अपने साथ लेके घूमता हूं। तुम सिर्फ मेरी काली दुनिया पे ऐसे मोटे मोटे पर्दे डालते रहो जिसमें से छनकर मेरी शक्ल तुम्हारे कानून को नजर ना आए। लेकिन तुम इस तरह अगर रोज कानून से खेलते रहोगे तो मुझे डर है कहीं ये पर्दा तुम्हारे लिए कफन बनकर न रह जाए। मुझे धमकियां सुनने की आदत नहीं है राणा। और मुझे भी बार बार एक ही बात दोहराने की आदत नहीं है। अब तुम जो कुछ भी करोगे मुझसे पूछे बगैर नहीं करोगे, समझे? ठीक है, आइंदा ख्याल रखूंगा। लेकिन तुम आज अपसेट लग रहे हो, क्या बात है, कोई परेशानी है? हाँ, याद है परसों पहले एक पेड़ जो हमारे रास्ते का रुकावट बन गया था, हम उसे काट कर बहुत खुश हुए थे, लेकिन उस पेड़ के एक बीज को हमने छोड़ दिया था और आज वो बीज बढ़कर फिर से पेड़ बन गया है। किसकी बात कर रहे हो? आनंद। आनंद? कौन आनंद? इंस्पेक्टर आनंद।
वो आनंद तो उसका बेटा राज जवान हो गया है और अब वो सब इंस्पेक्टर बनकर मेरे ही इलाके में आ गया है। क्या राना, सांप मार दिया आप सपोले से डर लगता है? कभी कभी सपोला ज्यादा जहरीला होता है। तो एक काम करो, उस सांप के दांत तोड़ दो, उसकी जहर की थैली निकाल दो, फिर वो सांप एक खिलौना बनकर रह जाएगा। फिर खिलौनों को साथ मिला लेना, काम आएगा। लेकिन वो लड़का अपने बाप से नफरत करता है क्योंकि दुनिया उसके बाप को रिश्वतखोर और बेईमान समझती है। वो हमारे साथ काम करने के लिए कभी भी तैयार नहीं होगा। नहीं, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन काम वो जरूर करेगा। क्या है कि नया नया पंडित पूजा बहुत करता है, नया नया मुसलमान नमाज बहुत पढ़ता है और नया नया ऑफिसर फर्ज व कानून की बातें बहुत करता है, लेकिन सब सोडे की जोश की तरह। लेकिन जब वक्त का हाथ जिंदगी का ढक्कन खोलता है तो सारा जोश करके निकल जाता है और सोडा जो है वो पानी बन के रह जाता है। तुम अपनी तरफ देखो ना, तुम कितने ईमानदार थे, फर्ज व कानून की हमेशा बातें करते थे, लेकिन जब हमने तुम्हें फांसा, तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड की, तुम्हारी फिल्में उतारी, तुम्हारी तस्वीर उतारी, तुम्हें ब्लैकमेल किया, तुम कैसे हमारे रास्ते पे आ गए? इसी तरफ वो भी आ जाएगा। आओ गेम खेलते हैं। तुम माल छोड़कर आए कैसे हैं? आज तक किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं पड़ी कि हमारे इलाके से माल लेकर जाए। तुम माल छोड़कर आए कैसे? क्या करता है साहब? पुलिस पुलिस ब्लडी फूल, लगता है ये भी पुलिस वालों से मिला होगा। क्या हुआ, क्यों दुलाई करे इसकी? डैड, यह हराम का पिल्ला 50 पेटी माल पुलिस के पास छोड़कर भाग आया। अब्दुल और फर्नांडिस को भी इसने मरवा दिया। कहता है पुलिस पीछा कर रही थी। He's a bastard. Bastard. पुलिस नहीं, एक नया लौंडा आया है, इंस्पेक्टर राज। राज? क्यों जैकब, मैंने ठीक कहा था ना, कभी कभी सपोला सांप से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अरे जब ये तुम्हारे ऐसा कानून का डॉक्टर हमारे साथ है तो हम सांप का बाप है, सपोले को निवाला समझ के खा जाएगा। डोंट वरी टोनी, इंस्पेक्टर राज को संभाल लेना।